नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A12 वर्सेस Oppo A53 2020 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A12 में 6.14 इंच जबकि 53 2020 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A12 में 2.97 इंच जबकि 53 2020 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A12 में 0.33 इंच जबकि 53 2020 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो A12 में 165 ग्राम्स जबकि 53 2020 में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि A12 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही टिप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A12 में 19:9 जबकि 53 2020 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A12 में 6.22 इंचेस जबकि 53 2020 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A12 में 720x1520 और 53 2020 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A12 में 81.63% जबकि 53 2020 में 82.87% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A12 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 53 2020 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रोन कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A12 में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 53 2020 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A12 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 53 2020 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A12 में पावर GE8320 जबकि 53 2020 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A12 में MediaTek Helio P35 और 53 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 मिलता है। बात करें RAM की तो A12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि 53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A12 में Android V9.0 पाई जबकि 53 2020 में Android V10Q देखने को मिलती है। बैटरी A12 में 4230mAh जबकि 53 2020 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A12 में 2 कलर्स जबकि 53 2020 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,490 रुपीज, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,750 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें 53-2020 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,180 रुपीज, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो ओप्पो A12 में 3 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A53 2020 की तो उसमें 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 53-2020 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है, दूसरा Tecno Camon 16 है, तीसरा Samsung Galaxy M12 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।